तो गाइज़ वेलकम टू क्वांट स्टडी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं आने वाले जे बैंक एग्ज़ाम के लिए तो गाइज़ आज हम करेंगे नंबर सीरीज़ का पार्ट फाइव तो इससे पहले मैंने चार पार्ट करवाए आप उन्हें देखिए उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और इसमें भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे तो गाइज़ नंबर सीरीज़ आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंकिंग एसोसिएट और पी दोनों के लिए नंबर सीरीज़ का आप फाइव क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो आप वो फाइव क्वेश्चन विद इन टू मिनट्स कर पाओगे तो so, आज का लेक्चर शुरू करते हैं हमारे पास फ़र्स्ट क्वेश्चन है सेवन एटी सेवन थर्टी सिक्स सिक्स एटी वन सिक्स जीरो फ़ोर फाइव ज़ीरो फ़ाइव तो हमारी जो बेसिक अप्रोच है डिफरेंस अप्रोच उसके साथ हम जाएंगे तो सेवन थर्टी सिक्स और सिक्स एटी का डिफरेंस आता है फिफ्टी फाइव उसके बाद सेवेंटी सेवन उसके बाद नाइन्टी नाइन तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू तो ये सेम डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे दो ब्लैंक्स आनी चाहिए तो इसका मतलब ट्वेंटी टू यहाँ पर आएगा ट्वेंटी टू यहाँ पर सीरीज़ डिक्रीजिंग में है तो ये ट्वेंटी टू ये थर्टी थ्री बनेगा और ये इलेवन बनेगा क्योंकि आप देखिए ऊपर से भी आप पता लगा सकते हो फिफ्टी सेवन नाइन्टी नाइन था सेवेंटी सेवन नाइन्टी नाइन फिफ्टी फाइव था तो दोवन का एक मल्टीपल छोड़ के एक आ रहा है तो इसका मतलब उससे पहले थर्टी थ्री आना चाहिए और उससे पहले इलेवन तो जब हम इसको आगे करेंगे तो हमारी ये ये वाली जो डिफरेंस है ये इलेवन आया और ये वाला डिफरेंस थर्टी थ्री आया तो जब मैं सेवन एट्टी में से इलेवन को माइनस करूँगा तो वो कितना आता है सेवन सिक्सटी नाइन तो अब मुझे यहाँ पर इसको चेक करना हो ये ठीक है या नहीं सेवन सिक्सटी नाइन माइनस थर्टी थ्री करूँगा तो कितना आएगा सेवन थर्टी सिक्स तो जो हमारी अप्रोच थी वो बिल्कुल ठीक है ये डिफरेंस अप्रोच से ही होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप टू इलेवन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी वन टू नाइन्टी वन तो गाइज डिफरेंस अप्रोच के साथ जब आप जाओगे इसमें कितना डिफरेंस है नाइन थर्टी फाइव और नाइन्टी फाइव तो गाइज़ ये अन इवेंट डिफरेंस आ रहे हैं तो हमारी डिफरेंस अप्रोच यहीं पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इससे डिफरेंस अप्रोच से तो हमारे पास स्क्वेयर्स क्यूब्स भी नहीं है ये ना उनके आस पास हैं कहीं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के पास आएंगे मल्टीप्लिकेशन से देखिए क्या होगा तो भाई जब मैं मल्टीप्लिकेशन से आऊँगा तो टू इंटू फाइव टेन बनता है तो उसके अराउंड है कुछ ये इलेवन इंटू फोर प्लस कुछ बन रहा है उसके बाद आता है फोर्टी सिक्स इंटू थ्री प्लस और ऐसे ही आगे करके देखता हूँ मैं जब मैंने इंटू फाइव किया वहाँ पे प्लस में क्या आया वन इलेवन इंटू फोर किया तो प्लस में क्या आएगा फोर्टी फोर प्लस फोर्टी टू फोर्टी सिक्स इंटू थ्री बना वन थर्टी एट तो यहाँ पे क्या बना इंटू थ्री प्लस थ्री तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है देखिए मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है फाइव फोर थ्री से और इसमें क्या हो रहा था एडिशन में वन टू थ्री तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में डिक्रीज हो रहा है नेक्स्ट वाली टर्म टू आनी चाहिए उसके बाद वन और जो हमारा एडिशन है जो नंबर उसको था एडिशन हो रहा है उसमें वन टू आगे फोर उसके बाद फाइव तो हम ये अप्रोच अब इसको पुट करके देखते हैं वन फोर्टी वन के बाद क्या आएगा वन फोर्टी वन इंटू टू प्लस फोर आना चाहिए तो वो कितना बनता है वन टू एट्टी सिक्स ठीक है तो टू एटी सिक्स मेरा यहां पर आया तो अब मुझे 286 चेक करना है ठीक होगा या नहीं तो 286 को मुझे क्या करना पड़ा पड़ेगा आगे 286 को वन से मल्टीप्लाई और फाइव से एडिशन तो ये देखिए क्या बना 286 था इनटू वन प्लस फाइव कितना बना 291 तो हमारी अप्रोच ठीक है बिल्कुल तो मैं फिर से बताता हूँ इसको आपको तो यहाँ पे क्या था इनटू � इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू वन प्लस फाइव तो ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट की इससे वन फोर्टी वन के बाद तो टू एटी सिक्स बना और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए इसको ये ऐसा क्यों किया देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन है फाइव फोर थ्री टू वन हो रहा था और एडिशन कैसे हो रहा था वन टू थ्री फोर फाइव तो मल्टीप्लीकेशन डिक्रीज हो रहे थे और एडिशन इंक्रीज हो रहे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फाइव फोर्टी एट टू सेवेंटी थ्री वन थर्टी फाइव थर्टी फाइव पॉइंट फाइव थर्टी पॉइंट टू फाइव तो वह जब भी पॉइंट्स में क्वेश्चन आएंगे आपको जब भी आपको लगेगा कि पॉइंट्स में क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम जो होते हैं मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं अगर डिफरेंस करता हूँ तो डिफरेंस बहुत लेंथी आता है क्योंकि सिक्सटी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव में से थर्टी पॉइंट टू फाइव करूँगा तो वो लेंदी मेथड हो जाता है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा के देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से क्या आंसर्स आते हैं तो देखिए थोड़ा सा एक रफ आइडिया आना चाहिए थर्टी का डबल होता है सिक्सटी तो ये डबल क्या राउंड है सिक्सटी तो सिक्सटी फाइव का डबल होता है वन थर्टी वन थर्टी फाइव का डबल टू सेवेंटी टू सेवेंटी का डबल फाइव फोर्टी तो इसके डबल क्या राउंड है इतना हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पर मल्टीप्लीन यूज़ होगा तो देखिए कैसे यूज़ होगा थर्टी पॉइंट टू फाइव को जब मैंने थर्टी पॉइंट टू फाइव को जब मैंने टू से मल्टीप्लाई किया थर्टी पॉइंट टू फाइव को तो वो बना सिक्सटी पॉइंट फाइव देखिए सिक्सटी पॉइंट फाइव में कितना ऐड हुआ है प्लस फाइव तभी तो वो सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव बना तो हमारा पहला ऑपरेशन क्या आया इंटू टू प्लस फाइव दूसरा ऑपरेशन कितना क्या आएगा 2 होता है 131. 131 प्लस 4, उसके बाद तीसरा ऑपरेशन क्या आया वन थर्टी फाइव इंटू टू सेवेंटी प्लस थ्री तो इसका मतलब देखिए पैटर्न मिला एक मल्टीप्लाई टू सबसे होगा और नेक्स्ट वाला पैटर्न क्या बना फाइव फोर थ्री तो इसका मतलब नेक्स्ट में टू होना चाहिए और उसके बाद वन होना चाहिए तो मैं इसको चेक करके देखता हूं वन थर्टी फाइव इंटू टू प्लस थ्री टू सेवेंटी थ्री तो और टू सेवेंटी थ्री इंटू टू फाइव फोर्टी सिक्स प्लस टू फाइव फोर्टी एट तो ये हमारा कहां तक आएगा फाइव फोर्टी एट बट इसमें से हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है थर्टी पॉइंट टू फाइव से पहले तो इसका मतलब वो जो टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई हुई होगी कि थर्टी पॉइंट टू फाइव आएगा इंटू टू प्लस सिक्स तो जो हमारा थर्टी पॉइंट टू फाइव है वो कैसे बनेगा आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है ये तो थर्टी पॉइंट टू फाइव हमारा रिजल्ट था तो एक टर्म जिसको मैंने सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद टू से मल्टीप्लाई किया और सिक्स से ऐड किया तो ये कितना आता है ट्वेंटी फोर पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू टू एक्स तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ट्वेल्व पॉइंट वन टू फाइव ये मैंने आपको एक्स वाला मेथड इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आप ऐसी ये वाली अप्रोच के साथ कर सकते हैं इससे आपको बिल्कुल इजीली आंसर मिल जाएगा तो इसका आंसर आएगा ट्वेल्व पॉइंट वन टू फाइव क्या अप्रोच के साथ क्या यहाँ पे लगेगा तू, प्लस टू प्लस सिक्स इंटू टू प्लस सिक्स इंटू टू प्लस फाइव इंटू टू प्लस फोर तो यहाँ पे क्या हुआ जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है और जो एडिशन है वो डिक्रीज हो रही है तो ये आपको ध्यान रखना है और पिछले क्वेश्चन में क्या था जो पिछला क्वेश्चन था उसमें दोनों चीज़ें चेंज हो रही थी मल्टीप्लीकेशन डिक्रीज हो रही थी और एडिशन इंक्रीज हो रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिक्स थ्री क्वेश्चन मार्क्स सिक्स फोर वन नाइन्टी टू देखिए जब मैंने बताया जैसे कि अब अगर आपको सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटी मिलती है तो वह आप वहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या होगा सिक्स और थ्री कैसे बनेगा पॉइंट फाइव से नेक्स्ट वाला हमें नहीं पता और उसके बाद वाला भी नहीं पता और सिक्स इंटू फोर बना ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर इंटू एट वन नाइन्टी टू जब मेरा यहाँ पे देखिए पॉइंट फाइव है यहाँ पे फोर और एट बन रहा है तो एक रफ आइडिया लगा कि फोर का डबल एट किया हुआ है इन्होंने तो इसका मतलब यहाँ पर डबल होना चाहिए सबका मैं चेक करके देखता हूँ पॉइंट का डबल वन वन का डबल टू अब इसको उस सीरीज़ में यूज़ करके देखिए थ्री इंटू वन थ्री आएगा इसका मतलब मेरा आंसर थ्री आना चाहिए अब इसको वेरीफाई कैसे करूंगा मैं थ्री को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिक्स आता है बिल्कुल ठीक है तो जो हमारी अप्रोच है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्टी टू थर्टी टू फोर्टी सिक्सटी फोर वन वन टू क्वेश्चन मार्क तो यहां पे देखिए कोई ऐसी छोटी टर्म नहीं आ रही है सेकेंड फर्स्ट से तो इसलिए हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे जीरो एट ट्वेंटी फोर फोर्टी एट और ये ब्लैंक नेक्स्ट क्या बना एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर तो देखिए पैटर्न मिल गया सेकंड डिफरेंस में एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर इसका मतलब नेक्स्ट क्या आना चाहिए थर्टी टू और थर्टी टू किसका डिफरेंस होगा फोर्टी एट और इस ब्लैंक का और फोर्टी एट और थर्टी टू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा एट्टी और ये जो एट्टी है ये किसका डिफरेंस होगा वन वन टू और क्वेश्चन मार्क का तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी वन वन टू प्लस एट्टी 192, जो आया था 8, 16, 24, से डबल करके Next question करते हैं 709, 708, 699, 674, 625, question तो देखिए ये decreasing सीरीज है और ध्यान दीजिए डिफरेंस मेथड कैसे यूज करना है आपने कि जब भी कोई सीरीज छोटी होगी या फिर उसमें डिफरेंस सामने आपको पता लग रहा है कि कम है तो वहां पे आप फटाफट डिफरेंस मेथड लगा दीजिए क्योंकि डिफरेंस ना तो वो किसी के स्क्वायर्स अगर तो वो स्क्वेयर्स हैं तब तो ठीक है अगर नहीं है स्क्वायर्स क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो वैल्यूज चेंज करेंगी मल्टीप्लीकेशन बड़ी वैल्यूज़ आपकी बनाएंगी बट यहाँ पे देखिए ऐसी कोई बड़ी वैल्यू हमें चेंज नहीं आ रही है सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के आसपास हैं तो इसलिए हम क्या करें यहाँ पे डिफरेंस करके देखेंगे तो डिक्रीजिंग है तो वन नाइन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन तो देखिए अब आपको अगर आपको स्क्वेयर्स पता है वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सेवन का स्क्वायर तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर आना चाहिए नाइन का स्क्वायर कितना होगा 81. वन तो हम अगर हम सिक्स ट्वेंटी फाइव में से एटी वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका तो क्या आंसर आएगा इसका सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस एटी वन तो ये कितना आया फोर फाइव फोर्टी फोर तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आया फाइव फोर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप टू फाइव नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तो ये भी इसमें देखिए थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि स्टार्टिंग में तो डबल लग रहा है ये बट जब आप एंड भी जाएंगे तो आपको देखिएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन है ना तो ये डबल है इसका डबल के अराउंड भी नहीं है तो हमारी मल्टीप्लीकेशन अप्रोच यहीं पर रुक जानी चाहिए कि हम इसका डबल नहीं कर सकते हैं तो हम डिफ्रेंस लगाएंगे यहाँ पर थ्री फोर ब्लैंक ब्लैंक सेवन तो गाइज़ यहाँ पे अब आपको मिडल में जब डिफरेंस आता है तो आपको चेक करना पड़ता है यहाँ पे तो देखिए थ्री फोर सेवन आया तो मेरे पास दो टर्म यहाँ पे नहीं है तो दो टर्म क्या आ सकती हैं नॉर्मल सी सीक्वेंस फॉलो करेगा फाइव सिक्स तो अगर मैं फाइव सिक्स पुट करके देखता हूँ नाइन और फाइव कितना आएगा फोर्टीन तो हमारे पास नंबर क्या मिलना चाहिए फोर्टीन तो अगर मैं उसको वेरीफ़ाई करता हूँ फोटीन प्लस सिक्स कितना आना चाहिए ट्वेंटी तो हाँ जी बिल्कुल नेक्स्ट टर्म जो है वो ट्वेंटी ही है तो हमारा ये जो अप्रोच थी बिल्कुल ठीक है और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लगाया क्योंकि ट्वेंटी और ट्वेंटी सेवन मुझे बता रहा है कि यहाँ पे डबल नहीं हो सकता है इसका तो डबल वाले में मल्टीप्लाई टू वाला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हंड्रेड वन फोटी फोर क्वेश्चन मार्क टू फिफ्टी सिक्स थ्री ट्वेंटी फोर तो गाय मैंने आपको जैसे बताया स्क्वेयर्स वाला क्वेश्चन होते हैं स्क्वेयर्स वाले में आपको डायरेक्ट स्क्वेयर जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी है टेन का स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर सिक्सटीन का स्क्वायर और एटीन का स्क्वायर तो ये किसके ये इवन नंबर के स्क्वेयर्स हैं तो आपको इस वीडियो इस क्वेश्चन से आपको ये स्क्वेयर्स भी लर्न कर लेने हैं कि आपको कभी आगे स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो पाए तो टेन ट्वेल्व सिक्सटीन एटीन तो बीच में किसका स्क्वायर रहेगा फोर्टीन का तो फोर्टीन का स्क्वायर कितना होगा टू फिफ्टी तो सॉरी वन नाइन्टी सिक्स तो इसका आंसर क्या आएगा वन नाइन्टी सिक्स फोर्टीन का स्क्वायर तो ये आप स्क्वायर ये याद कर लीजिए टेन का ट्वेल्व का फोर्टीन सिक्सटीन और एटीन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट नाइनटीन थर्टी फाइव टेन क्वेश्चन मार्क तो इसमें देखिए पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ फिर फिर से इंक्रीज़ फिर डिक्रीज तो हम इसमें क्या करेंगे डिफरेंस करके देखते हैं प्लस फोर माइनस नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव गाइज तो अगर यहाँ पे भी देखिए ये आपको विजिबल होना चाहिए कि ये स्क्वेयर्स हैं टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर पहले प्लस टू का स्क्वायर किए फिर माइनस थ्री फिर प्लस फोर का स्क्वायर फिर माइनस फाइव नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी प्लस सिक्स का स्क्वायर तो वो कितना आएगा थर्टी सिक्स और टेन के साथ जब हम थर्टी सिक्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा फोर्टी सिक्स तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा फोर्टी सिक्स कैसे पता लगा डिफरेंस किया डिफरेंस के बाद हमें पता लगा कि वो स्क्वेयर्स हैं अगर आप यहाँ पे इसको डिफरेंस से करते आगे तो वो आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाता अगर आपको स्क्वेयर्स पता थे तो आपने डायरेक्ट ही दो स्टेप में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया तो इसका आंसर क्या आया टेन प्लस थर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन सेवनटीन थर्टी ट्वेंटी वन थर्टी फोर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मार्क तो पहले है थर्टीन प्लस थर्टीन माइनस नाइन प्लस थर्टीन माइनस नाइन तो यहाँ पे कितना बना थर्टीन माइनस नाइन थर्टीन माइनस नाइन तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी थर्टीन क्योंकि देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है पहले थर्टीन प्लस फिर नाइन सब एड किया फिर थर्टीन फिर नाइन तो जब नेक्स्ट वाली टर्म में क्या ऐड कर? करना पड़ेगा थर्टीन तो ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टीन कितना आएगा थर्टी एट इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ थर्टी एट ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टीन थर्टी एट तो गैज आज के लेक्चर में बस इतना ही अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू